वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम इंग्लिश की क्लास 9th की 2nd सितंबर की 24th वर्कशीट डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश की है। इसमें हम डिस्क्राइबिंग प्लेसेस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पिछली वर्कशीट में डिस्क्राइब किया था कुछ प्लेस को, कौन सी स्कूल को। यू केम अक्रॉस वर्ल्ड, आप कई सारे नए वर्ड्स से उनको आपको समझ आए, ओल्ड, न्यू, क्राउडेड, पॉपुलर, काल्म और क्वाइट समझ आया। क्वाइट मतलब क्या होता है? क्वाइट मतलब, क्वाइट मतलब चुप होता है। और आपको कम्पैक्ट का मतलब समझ आया, कम्पैक्ट मतलब ठोस होता है, हिस्टोरिकल कोई पुरानी जगह। तो ये सब नए वर्ड्स आपने जाने। तो आज यहाँ पे फिर से एक बार स्कूल को डिस्क्राइब कराए। आई एम सोहेल, मैं सोहेल हूँ। ये मेरा SBB स्कूल है। इट इज़ लोकेटेड इन द बिजी स्ट्रीट ऑफ यमुना विहार, जो यमुना विहार की एक बिजी स्ट्रीट में है। थ्रू इन अ क्राउडेड एरिया, यहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया है, पर जो मेरे स्कूल है उसमें बिल्कुल शांति होती है, पूरी शांति होती है। बाहर का एरिया जो है वो बहुत क्राउडेड है, पर मेरा जो स्कूल है वो क्वाइट एंड स्पेशियस है, यानी बहुत चुप होते हैं लोग वहाँ पे, बहुत शांति होती है, साइलेंस होता है, और स्पेशियस मतलब बहुत ही बड़ा है हमारा स्कूल। इट इज स्क्वायर इन शेप, ये स्क्वायर शेप का है। इसके जो गेट्स हैं वो एक लार्ज ग्राउंड में खुलते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द ग्राउंड देयर इज ग्रीनरी, और गार्डन के जो दूसरी तरफ क्या है, बहुत हरियाली है। देयर इज लश ग्रास, वहाँ पे अलग अलग ग्रास है और बड़े बड़े ट्रीज है। बियॉन्ड द ग्रीनरी, ग्रीनरी के अलावा ऑन थ्री साइड देयर इज 3-storied बिल्डिंग, और बाकी जो तीन साइड है वहाँ पे 3-मंजिला बिल्डिंग्स है। वन बिल्डिंग इज ओल्ड, एक बहुत पुरानी है और बाकी दो बहुत ही नई है। द ओल्ड बिल्डिंग इज वाइट, ओल्ड वाली वाइट है, बल्कि जो न्यू है वो रेड है कलर में। ऑल द क्लासरूम आर लार्ज, सभी क्लासरूम लार्ज है। ऑन द फोर्थ साइड, चौथी तरफ पे एक मल्टीपर्पज हॉल है, और ये फुली एयर कंडीशनड है, और इसमें अच्छी सीट्स है, कुजन वाली सीट्स है जो कि नरम होती हैं, आरामदायक। और इसके पास जो है वो हर्बल गार्डन है। तो इस तरह से ही हमने अपने स्कूल को डिस्क्राइब किया। तो जब हमने सोहेल के स्कूल के बारे में डिस्कस किया, तो आपको एक आपके मन में एक भावना बनी होगी कि वो किस तरह का स्कूल हो सकता है। तो इसी तरह से हमें भी अब डिस्क्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले में हमने अपने स्कूल को डिस्क्राइब किया, अब हम एक अपनी इमेजिनेशन का स्कूल, अपना सोचा हुआ स्कूल करेंगे डिस्क्राइब। तो कैसे करते हैं देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए स्कूल, मैं एक स्कूल चाहता हूँ जहाँ पर कलरफुल ड्रेस अलाउड हो। आई लाइक टू वियर माई फेवरेट कलर, मैं अपने फेवरेट कलर के कपड़े पहनूँ, मैं हैप्पी रहूँ, मुझे अच्छा लगे। आई कॉन्सेंट्रेट इन अ बेटर वे, और मैं चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समझूँ। नॉर्मली द क्लासेज आर वेरी लॉन्ग एंड आई वर गेट टायर्ड इन द लास्ट क्लास, जो क्लासेज हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और मैं थक जाता हूँ। सो क्लासेस के बीच में एक रिलैक्सिंग पीरियड भी होना चाहिए। आई ऑल्सो इमेजिन अ स्कूल, मैं ऐसा स्कूल चाहता हूँ जहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री जो हो वो भी पढ़ाई जाए प्रैक्टिकली, यानी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। वहाँ पे 3D क्लासेस हों और कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए जो बच्चों को समझ नहीं आते, इससे वो इंटरेस्टिंग होंगे और हम उन्हें लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। मैथ्स इज नॉट समथिंग जस्ट फॉर आर नोटबुक्स, मैथ सिर्फ हमारी नोटबुक्स के लिए नहीं है, इसको प्रैक्टिकली पढ़ानी चाहिए अगर हो सके। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन अ स्कूल, मैं ऐसे स्कूल में जाना चाहता हूँ जहाँ पे हर चीज़ को एक अलग वे में समझाया जाए। इस तरह से आप अपने स्कूल को बताएंगे। आप ये भी बता सकते हैं कितना बड़ा चाहते हैं, कौन सा कलर चाहते हैं, सब कुछ। तो इस तरह से करेंगे। अब जैसे ये हम देख सकते हैं, आप इस तरह की कोई भी पिक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।